हेलो फ्रेंड्स, मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से दोस्तों विमर्श पोर्ट पर अपने मोबाइल में दोस्तों आप अपने रिजल्ट किस तरह चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप 9वीं या 11वीं की स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आप कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपने मोबाइल में रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको अपने मोबाइल दोस्तों सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना दोस्तों, सर्च कर लेना विमर्श पोर्ट 2021 दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको इतना सर्च कर लेना दोस्तों विमर्श पोर्ट 2021 दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर दे दूँगा दोस्तों, आप इसे सर्च कर लेना, आप इसे कॉपी कर लेना दोस्तों। आप भी मैं इसका लिंक जिसके साथ ऑप्शन दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से लिंक नहीं दोस्तों, मैं आपको इसका देखिए दोस्तों, आप लिंक कॉपी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसका कोई लिंक नहीं होता दोस्तों। आपको मैं स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, आपको सिंपली इसे सर्च कर लेना दोस्तों। आप इस किताब में नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके आपको सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। दोस्तों आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट डिजिट चेक करना है दोस्तों। मैं सिंपली दोस्तों मैं बाहर सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, आपका जो भी डिजिट है दोस्तों आप चेक कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों डेल्टा देवस, देखिए दोस्तों बहुत सारे दिया दोस्तों, ग्वालियर हरांडा, देखिए दोस्तों बहुत से ऐसे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, आप ऐसा सिलेक्ट कर लिया दोस्तों आपको जो भी डिजिटल होगा दोस्तों। उसके बाद आपको सिलेक्ट ब्लॉक पर क्लिक करना है दोस्तों, तो हमारा ब्लॉक है कटंगी दोस्तों, कटंगी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको स्कूल, आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों वो आपको आ जाएगा दोस्तों। आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों, जब भी आपका नाम आप स्कूल का नाम आ पाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम से आपको ले लेना है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बहुत से स्कूल आए हैं दोस्तों, हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, देखिए दोस्तों बहुत से ऐसे स्कूल है दोस्तों जिसका आ चुका है दोस्तों। लेकिन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने का क्लास चेंज सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। आप जो भी क्लास में पढ़ते हो दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, सिंपल मैं 11वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको इसे जोड़ देना दोस्तों, 13 और 1 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है दोस्तों, हमने 14 लिख दिया दोस्तों। आपको इसे जोड़ना है दोस्तों, उसके बाद उसको आप इस पर 100 वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना दोस्तों। क्लिक करने के दोस्तों आपके सामने आपकी परीक्षा का परिणाम आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी परीक्षा का परिणाम अगर घोषित नहीं हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी अपलोड नहीं हुआ दोस्तों, मैं आपको किसी और स्कूल का दिखाता हूँ दोस्तों। सो मैं पे लेता हूँ दोस्तों, सो मैं आपको एक जाम वाले स्कूल का दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, उसके बाद आप 11वीं जो भी परीक्षा में पढ़ते हैं दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं दोस्तों आपको सेट कर लेना दोस्तों। सो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जोड़ लेना दोस्तों, सो मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको 27 देखिए 27 में जोड़ लिया दोस्तों। सो इसके बाद आप 16 समय क्लिक कर लेना दोस्तों, क्लिक करने का देखिए दोस्तों परिणाम आ चुका है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अभी बहुत से पीडीएफ में दोस्तों, देखिए दोस्तों 11वीं क्लास का पूरा परिणाम आ चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जाम, देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत से जे भी जो बच्चे दोस्तों पास हुए दोस्तों, ये सभी दोस्तों अभी सभी पास हुए दोस्तों, सबका देखिए दोस्तों परीक्षा परिणाम आ चुका है दोस्तों, किसी ने कितने अंक बनाया, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी स्कूल का परिणाम चेक कर सकते हैं दोस्तों, 11वीं और 9वीं का दोस्तों, 10वीं और 12वीं का चेक नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आप अभी सिर्फ दोस्तों 11वीं और 9वीं का चेक कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो से जानकारी मिलेगी, इससे वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।